दोस्तों ऐसा लगता है कि 2020 में जो लॉकडाउन लगा था कोरोना महामारी के चलते, उससे हमारी राज्य सरकारों ने कुछ भी नहीं सीखा है। जिस तरीके से पिछले साल गाड़ी मालिक ड्राइवर परेशान हुए थे, गाड़ियों को बंद कर दिया गया था, फिर गाड़ियों को चला दिया गया, ढाबों को बंद कर दिया, मैकेनिक शॉप्स को बंद कर दिया था और बाद में उनको खोल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि प्रशासन को पता ही नहीं चल रहा कि किसको खोलना है और किसको बंद करना है। लेकिन चलिए, तब यह बहाना था कि ऐसी महामारी पहली बार हुई, ऐसा लॉकडाउन पहली बार हुआ, सरकारों को प्रशासन को समझ में नहीं आया। लेकिन अब दूसरा साल है इसका, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी सरकारों ने, हमारे प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा। इस बार सिर्फ इतना ही किया कि गाड़ियों को चलने दिया गया, उनको एसेंशियल सर्विस में डाल दिया गया, लेकिन बाकी की समस्याएं पहले की तरह ही खड़ी कर दी गई, जिसके चलते गाड़ियों का चलना बेहद मुश्किल हो गया है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको 5 अलग अलग खबरें, अलग अलग इंसिडेंट्स दिखाऊंगा जहां पर ढाबे बंद होने के चलते या मैकेनिक शॉप्स होने के चलते किस तरीके से ड्राइवर और गाड़ी मालिक परेशान है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार है, मैं बिहार के पूर्णिया जिला चंपा नगर तिनटकिया का रहने वाला हूं। मेरा गाड़ी नंबर UP16FT7921 है। मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से अपना इंश्योरेंस करवा रखा हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी, ट्रांसपोर्ट मॉल का काम हमें बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा काम हमें कहीं भी और से नहीं मिलता है। ट्रांसपोर्ट टीवी और ट्रांसपोर्ट मॉल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। कुछ दिन पहले मैंने आपको ट्रांसपोर्ट टीवी पर दिखाया था कि किस तरीके से कुछ राज्यों ने ये ऑर्डर कर दिया कि हर बॉर्डर के ऊपर आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी या फिर वैक्सीन का पहला सर्टिफिकेट, जिसके चलते गाड़ियां बॉर्डर पर फंस रही हैं। अब दूसरी समस्या है ढाबों की और मैकेनिक्स की। जैसे मैंने कहा कि गाड़ियों को तो चलने की इजाजत दे दी, लेकिन ढाबों को बंद करवाया जा रहा है हाईवेज के ऊपर और मैकेनिक शॉप्स को बंद करवाया जा रहा है। कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, जिसके चलते क्या दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले आप देखें ये पहला वीडियो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये राजस्थान का है, 29 अप्रैल का। ये एक मैकेनिक शॉप है, यहाँ पर 3 लोग काम कर रहे हैं। पुलिस वाला उधर से आता है तो 2 लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये जो शख्स बेचारा वहां पर बैठा रह गया, ये मैकेनिक था और ये अपाहिज लग रहा है, इसलिए भाग नहीं पाया और कम से कम 10 से 15 डंडे इस पुलिस वाले ने बेरहमी के साथ इस व्यक्ति को मारे। इसका कसूर सिर्फ इतना है कि लॉकडाउन के चलते इसने अपनी मैकेनिक की शॉप खोली, अपना घर चलाना चाहता है, खाना खाना चाहता है और आने जाने वाली खराब गाड़ियों को ठीक करना चाहता है। इस तरीके से पुलिस बर्ताव कर रही है। बताइए कौन सा मैकेनिक अपनी वर्कशॉप खोलेगा अगर इस तरीके का बर्ताव जो है पुलिस उनके साथ करेगी। आपने देखा वीडियो के अंदर कि ना सिर्फ उसको मारा गया बेरहमी के साथ, बल्कि वहां पर जो 2 मोटरसाइकिल खड़े हुए थे उनको भी तोड़ने की कोई कसर इस पुलिस वाले ने नहीं छोड़ी। दोस्तों राजस्थान के बाद आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। ये मंदसौर की घटना है। गाड़ी आपके सामने खड़ी है, भारत बेंज ये गाड़ी है। 3 मई को ये गाड़ी यहां पर खराब हो गई और फ़ोन किया गया कंपनी का जो कस्टमर केयर नंबर है, लेकिन कई दिनों तक खड़े होने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला। इस दौरान वो बता रहे हैं कि उनके पास पैसे भी खत्म हो चुके हैं और खाने का राशन भी खत्म हो चुका है। खाना बनाते वक्त ड्राइवर का पैर जल चुका है, बावजूद इसके अब तक कंपनी की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं पहुंची है गाड़ी को ठीक करने के लिए। दावे हम सब जानते हैं कि सारी कंपनियां बड़े बड़े करती हैं। इसके बाद हमें बताया कौशल सिंह ने, जिनकी ये गाड़ी है, उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से एक प्राइवेट वर्कशॉप को खुलवाया, जिसने डर के अपनी वर्कशॉप खोली हुई थी, आधा शटर बंद था। उसने कहा कि मेरे पास पार्ट्स नहीं है, तुम पार्ट्स लेकर आओ। मध्य प्रदेश से राजस्थान गया टैक्सी लेकर, पार्ट्स लेके आया वापस वर्कशॉप पे, वहां से अपनी गाड़ी ठीक कराकर अब ये गाड़ी जो है सड़क पर आई है। ना कंपनी की तरफ से कोई हेल्प है और दूसरी तरफ से मैकेनिक डरे हुए हैं और साथ में जो स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं वो भी बंद है। तो आप देखिए कि किस तरीके से पैसा कमाएंगे गाड़ी मालिक अगर टैक्सी लेकर पार्ट्स लाने पड़ रहे हैं और 5-5 दिन सड़क पर इस तरीके से खड़ा होना पड़ रहा है। दोस्तों मध्य प्रदेश के बाद आपको लिए चलते हैं पंजाब के तरन तारण में। मेरे बोलने से पहले आप इस वीडियो में सुनिए क्या कहना है गाड़ी मालिक और ड्राइवर का। तरन तारण आए हैं खडूर से, रोड से ड्राइवर वीर किधर जाना, सिरे सिरे दा टाइम जा, वेखो ढाबे बंद करवा के गया पुलिस वाले, वेखो मेरा ढाबे बंद करा के ड्राइवर, रोटी पानी किसों खाना मेरा वीर। मेहरबानी करके सरकार के हाथ जोड़ के बेनती करते हैं ढाबे खिलाओ, ड्राइवर वीर कितने जाना, बड़े तंग आखो लैन कितों तक लगी आ, रात बेचारे भुखे पानी उतरे सौ सौ गए आ, सवेरे हूँ उठे तो सवेरे भी आवे होटल बंद है मेरा वीर, चाह कितों पीनी इन्होंने मेरा वीर।
तो आप साफ देख सकते हैं कि हाईवे के ऊपर कितनी लंबी लाइन ट्रकों की लगी हुई है, और ये लाइन किसी टोल टैक्स या आरटीओ चेक पोस्ट के चलते नहीं लगी है, बल्कि ढाबों के चलते लगी है, क्योंकि ढाबों को पुलिस वालों ने बंद करवा दिया है, ड्राइवरों के पास खाने को कुछ नहीं है, और भूखे पेट गाड़ी चलाना संभव नहीं है। प्रशासन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, कोई इसका हल नहीं दिया है, ना सोचा है ना समझा है कि अगर ढाबे बंद हो जाएंगे तो आवाजाही कैसे चलेगी। दोस्तों, पंजाब से सीधा लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, क्योंकि कोई राज्य भी कम नहीं है अपनी इस मिसमैनेजमेंट में। महाराष्ट्र सरकार का जो लॉकडाउन लगाया है, लोगों पे इधर का ध्यान नहीं है कि भाई लोग कितने घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इनको ये ध्यान है, देखो मोटर पास की दुकानें सब बंद पड़ी है, ठीक है, और ये देखो पूरा मोटर पास दुकान है जितना भी, देखो पूरा बंद पड़ा है, और लोग बाहर घूम रहे हैं। देखो गैरेज वैरेज बंद पड़े हैं, जो कोई मिस्त्री मिल जाता है, अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है रास्ते में तो डबल पैसे वसूलने का काम कर लेते हैं कुछ लोग, कुछ तो अच्छे भी है। देखो ये भी हाफ सेक्टर फोल के मिस्त्री बैठा है, कोई आ गया तो देखो ये भी हाफ सेक्टर फोल के बैठे हैं, तो आ गया तो कोई पुलिस वाला आएगा तो ये अंदर भग जाएंगे। देखो ये पूरी मोटर पार्ट्स की दुकानें बंद पड़ी हैं, लोग देखो आराम से एस की कर रहे हैं, बाइकों पे घूम रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। बोल रहा मोटर पार्ट्स की दुकान खुली होगी तो कोरोना फैल जाएगा। तो ये गाड़ी चालक आपको बता रहा है दोस्तों यहाँ पर कि कुछ ही मैकेनिक जो हैं उनकी शॉप्स खुली हैं, वो भी डरकर खोल रखी हैं, आधा शटर बंद है आधा खुला है, और अगर वो गाड़ी को रिपेयर कर भी रहे हैं तो वो महंगी कीमत मांगी जा रही है, 2500 रुपए के काम के 6000 रुपए मांगे जा रहे हैं। और जहां तक बात रही पार्ट्स की, जो ऑटो कंपोनेंट्स पार्ट्स की स्पेयर पार्ट की दुकानें जिन्हें हम बोल देते हैं, वो भी सारी बंद हैं। और यहां पर जो चालक है वो ये भी बता रहा है कि आम लोग आराम से घूम रहे हैं वहां पर बाइक के ऊपर, लेकिन स्पेयर पार्ट की दुकानें बंद है, शायद इन्हीं से कोरोना होता है और बाकी की आवाजाही से नहीं। लेकिन इस वजह से जो गाड़ी मालिक है, आप समझिए कि एक तो दूसरा राज्य है, पहले मैकेनिक ढूंढना इतना मुश्किल है, फिर दुकानें बंद हैं, फिर पार्ट्स की दुकानें बंद हैं, किस तरीके से वो अपनी गाड़ियां ठीक कराएं और अपने काम पर जाएं। दोस्तों महाराष्ट्र से लिए चलता हूं आपको सीधा छत्तीसगढ़, वहां पर भी यही हाल है। गाड़ी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये अशोक लेलैंड की गाड़ी है, और गाड़ी चालक का कहना है कि वो बार बार इस कंपनी का जो कस्टमर केयर सेंटर है वहां पर फोन कर चुका है, एजेंसी में फोन कर चुका है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया है, गाड़ी रिपेयर करने के लिए नहीं आया है। राशन इसके पास खत्म है, पैसे नहीं है, प्रशासन से सवाल है इसका कि मैं कहां जाऊं, कैसे अपनी गाड़ी को चलाऊं। दोस्तों कुल 5 राज्यों की कहानी हमने आपको बताई, ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में हालात ठीक है, ज्यादातर राज्यों में यही हाल है, ढाबे बंद हैं, मैकेनिक बंद हैं, स्पेयर पार्ट की दुकानें बंद हैं, लेकिन बोला जा रहा है कि ट्रक आप अपने चलाओ, ड्राइवरों को बॉर्डर्स पर रोका जा रहा है कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ लेकिन वैक्सीन नहीं है, टेस्ट दिखाओ कोरोना नेगेटिव लेकिन कोरोना का टेस्ट कोई नहीं कर रहा, और बोला जा रहा है कि ट्रक आप चलाओ क्योंकि ट्रक चलने बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए, लोगों की प्लेट पर रोटी तब आएगी अगर आप ट्रक चलाओगे, आप ट्रक कैसे चलाओगे इससे प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले साल मान लीजिए बच्चा स्कूल में फेल हो गया एक जमात में, तो उम्मीद करते हैं हमेशा माँ बाप के दूसरे साल उसी क्लास में अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर दूसरे साल भी नंबर ना आए तो यही कहा जाएगा कि बच्चे का कोई हल नहीं है, यह महान नलायक ही पैदा हुआ है। दोस्तों जो समस्याएं हमने आपको बताई इस ग्राउंड रिपोर्ट में, अगर इसके अलावा भी कोई समस्या आपको आजकल आ रही है रोड्स के ऊपर तो जरूर हमसे शेयर करें। ट्रांसपोर्ट टीवी का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन, फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।